नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। कानूनी शब्दावली में भले देशद्रोह की जगह राजद्रोह का जिक्र हो, लेकिन धारा लग जाने के बाद इन दोनों का फर्क कौन हो जाता है। आरोपी कानून के साथ साथ समाज के निशाने पर भी आ जाता है। राजद्रोह के कानून को आज हम ऐसे ही समझते हैं, लेकिन ये तो अंग्रेजों का कानून है जिन्होंने हमें एक उपनिवेश बनाया और इस कानून को हमारी स्वतंत्रता को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया। कानून के निशाने पर महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानी रहे। क्या आज़ादी के 75 साल बाद इस कानून की ज़रूरत है? इस इंट्रो में लेकिन के बाद से कहे गए शब्द हमारे नहीं हैं, आज़ाद भारत के उच्चतम न्यायालय के हैं। न्यायालय के कहे पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है फिलहाल, लेकिन ये बात तो है कि देश भर के मानवाधिकार संगठन दशकों से इस कानून को हटाने या इसमें बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। जब जब वो ऐसा करते हैं तो विपक्ष में बैठे जो दल होते हैं वो धीरे से उनके सुर में सुर मिला देते हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठा होता है वो इस कानून का मुंह छोड़ नहीं पाता। अदालत ने आज कहा कि वो इस कानून की वैधता की जांच करेगी और इस बाबत उसने केंद्र से भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इसीलिए आज दिन की बड़ी खबर में हम इसी खबर के सारे पहलुओं से वाकिफ होंगे, उनको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए दिन का वीडियो। ये कोई चुनाव तो नहीं रही हो ये तो सबका काम होगा यहाँ में अगर तुम बढ़ कर होगा आप लोग तो कोई मतलब नहीं रहेगी नहीं अपने शांति से काम करना जिससे क्या कहेंगे सबका काम हो जाए अगर आप लोग चाहते हो नहीं लगना तो फिर क्या है वो चले गए उठ के बेचारे डर के मारे चले गए अब अगली बार जब भी जैसे वैक्सीन का वो आएगा तो आप लोग को बुला लिए आप लोग आ जाए लगवा ले वैक्सीन खत्म हो गया अपन क्या कर सकते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, कुछ हो नहीं सकता, वैक्सीन नहीं तो कहां से लगवाएंगे बताओ। ये वीडियो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा का है। जिला मुख्यालय राजगढ़ है लेकिन प्रमुख शहर है ब्यावरा, इसीलिए जिला बताते हुए दोनों नाम बताए जाते हैं, राजगढ़ ब्यावरा साथ साथ में नाम लिया जाता है। तो ब्यावरा के उत्कृष्ट विद्यालय स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ गई। वैक्सीन खत्म होने से लोग नाराज हो गए और हंगामा कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची ब्यावरा देहात थाना पुलिस के द्वारा लोगों को हाथ जोड़कर समझाइश दी गई और वापस भेजा गया। घटना का ब्यौरा खुद पुलिस अधिकारियों से सुनिए। सभी लोग ज़्यादा लोग आ गए हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा, ये मेरे यहाँ अपने को जानकारी तो नहीं थी, लेकिन नर्सों से पूछा यहाँ पर जो वैक्सीन सेंटर पर जो वैक्सीन लगा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि वैक्सीन ख़त्म हो चुके हैं, अभी वैक्सीन बचा नहीं है। वो जनता ज़्यादा आ गई है, गांव के भी आसपास के लोग भी आ गए हैं, तो वो वैक्सीन ख़त्म हो गया तो वो उन्होंने अब रुष्ट हो रहे हैं सब लोग, इसलिए उन्होंने क्या सब इतने लोग आ गए वैक्सीन ख़त्म हो गया, अब प्रशासनिक कार्रवाई वो वही कि वैक्सीन ख़त्म हो गया ज़्यादा भीड़ आ गई तो इसलिए थोड़ा जनता में रोष हो जाता थोड़ा बहुत, बाकी ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। आपके द्वारा समझाइश भी दी गई कई लोगों? मेरे द्वारा समझाइश दी गई सभी को, वही मैंने पूछा पहले स्वास्थ्य विभाग वालों से वही वैक्सीन, उन्होंने बोला कि वैक्सीन खत्म हो चुके हैं अभी, तो जनता जो नहीं लग पाए जो वैक्सीन खत्म हो गया तो फिर मैंने उनको संतुष्ट किया, अपने अपने तरीके से उनको समझाइश दी, वही नेक्स्ट टाइम जब भी आदेश आएंगे वैक्सीन लगने के तब लगेंगे, और अब जनता जा रही सभी लोग जा रहे हैं। ठीक, ये हाल है दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का। राजगढ़ उसी मध्य प्रदेश का जिला है जिसने 21 जून को रिकॉर्ड टीकाकरण करने का दावा किया था। इसी रिकॉर्ड से उत्साहित होकर टीकाकरण को लेकर तब बड़े बड़े दावे किए गए थे। एक दिन बाद यानी कि 22 जून को नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इन इंडिया यानी NTAGI के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा था कि भारत के पास रोज 1,25,00,000 खुराक लगाने की क्षमता है, टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और अगले महीने 20 से 22 करोड़ खुराकें लगाई जाएंगी। अब इन दावों और आंकड़ों के आलोक में राजगढ़ वाला वीडियो जो हमने आपको पहले दिखाया था उसे फिर से देख लीजिए। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले संक्रमण से जुड़े आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 41,806,
ठीक हुए मरीजों की संख्या रही 39,130 और मौतें हुई 581, यानी मोटा माटी जो एक्टिव केसेस है उसमें 2,000 का हाइक आया है, बढ़ गया है। इन सब को मिलाकर देश में कुल मामले अब हो गए हैं 3,09,87,880, ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या है 3,01,43,850 और मौतों की कुल संख्या है 4,11,989। दूसरी सुर्खी बनी प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे से। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में तकरीबन 1500 करोड़ के विकास कार्यों के भूमि पूजन और उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। उनकी आगवानी योगी आदित्यनाथ और जो कि सीएम हैं और यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने की थी। उद्घाटनों और भूमि पूजनों के सिलसिले में अस्पताल, मल्टीलेवल पार्किंग और फ्लाईओवर जैसी परियोजनाएं शामिल थी। शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा पर रो रो सर्विस भी शुरू की जाएगी। रो रो मतलब रोल ऑन रोल ऑफ, इसमें गाड़ियां सीधे जहाज पर चढ़ाकर नदी के रास्ते ले जाई जा सकेंगी, घुमा भी जा सकेगा और सामान भी जा सकता है। लेकिन विकास कार्यों से ज्यादा चर्चा मिली कार्यक्रम के दौरान पीएम के भाषण। पीएम ने कोरोना महामारी के दौरान यूपी की योगी सरकार के काम की जमकर तारीफ की, उनकी बात सुनिए। यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। महामारी की दूसरी लहर के दौरान यूपी ने जबरदस्त हाहाकार देखा था। मरीजों को न बेड मिले, न अस्पताल और न ऑक्सीजन। मैदान पर सरकार की गैर मौजूदगी को लेकर खुद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व असहज दिखा था और इसीलिए खूब डैमेज कंट्रोल हुआ, ढेर सारी मीटिंग्स भी हुई, बैठकों के साथ साथ बयान भी आए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना काल में काम के लिए योगी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री के भाषण ने एक बार फिर इस बात को रेखांकित किया कि पार्टी दूसरी लहर के दौरान पैदा हुई असहजता को पीछे छोड़ चुकी है और अब विधानसभा चुनाव से पहले अपने चिर परिचित आक्रामक मोड में लौट रही है। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री ने मुक्त कंठ से योगी सरकार की तारीफ की है। वैसे कोरोना काल में हुए इस कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइंस के पालन की कोशिश की गई थी, जो सीटिंग अरेंजमेंट था उसमें हम देख पा रहे थे, लेकिन पीएम को सुन रही भीड़ में कई लोगों ने अपने मास्क नीचे किए हुए थे, ये भी देखा गया। अब इसे एक संयोगी कहा जाएगा या टिप्पणीकारों की माने तो नहीं कहा जाएगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने यूपी में सर्वाधिक टीकाकरण की तारीफ की, उसी दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीकों की कमी की शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को 14 करोड़ खुराकों की ज़रूरत है, लेकिन मिली हैं अब तक सिर्फ 2,12,00,000। ममता ने यह भी कहा कि उन्हें किसी राज्य को ज़्यादा टीके मिलने से समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है तो फिर पश्चिम बंगाल को भी उसके हिस्से के टीके मिलने चाहिए। वैसे ममता की बातों का संदर्भ 14 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के उन ट्वीट्स में भी खोजा जा सकता है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि केंद्र राज्यों को टीकों की उपलब्धता पर बराबर जानकारी दे रहा है और इसीलिए किसी भी अव्यवस्था के जिम्मेदार राज्य खुद हैं। दर्शक जानते हैं कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा समेत कई राज्यों से टीकों की कमी की खबरें आई हैं। ममता बनर्जी की बात चली है तो ये भी बता दें कि उन्होंने आज सिर्फ शिकायतें नहीं की, उन्होंने ये भी कहा कि जल्द वो दिल्ली जाकर कुछ नेताओं से मिलने वाली है। ये सुनकर सभी के जहन में एक बार फिर से प्रशांत किशोर, शरद पवार, विपक्ष एकता जैसे कीवर्ड्स तैरने लगे। वैसे ममता ने यह भी जोड़ा कि दिल्ली जाएंगी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मिलने के लिए समय मांगेंगी। ममता की पार्टी तृणमूल ने आज चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा और मांग की कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में अब जो खाली पड़ी हैं 7 सीटें, उन पर उपचुनाव जल्द कराया जाए। पार्टी ने यह तर्क दिया है कि विधानसभा चुनाव की तुलना में अब कोरोना के मामले कम से कम 17 गुना कम है। ममता आरोप लगा चुकी हैं कि आयोग उपचुनाव के लिए पीएम के इशारे की राह देख रहा है। ममता बनर्जी का जिक्र सुर्खियों में एक बार फिर आएगा, लेकिन पहले यूपी में ही हुए एक और दौरे की बात करते हैं।
दूसरी सुर्खी भी उत्तर प्रदेश में हुए एक नेता के दौरे से ही बनी है। नेता का नाम AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और जगह का नाम गाजियाबाद। आगामी चुनावों के मद्देनजर ओवैसी लगातार सूबे में दौरे कर रहे हैं। आज गाजियाबाद में अपनी पार्टी के लिए एक नए दफ्तर का उद्घाटन भी किया। ओवैसी आज हापुड़ भी गए थे, जहां उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी और कोविड गाइडलाइंस धरी की धरी रह गई। दर्शक जानते ही हैं कि ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। तीसरी सुर्खी, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, उसका संबंध ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल से है। सूबे में चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने की है, क्योंकि इस बाबत कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी करके रिपोर्ट तलब की थी। आयोग ने 2 जुलाई को एक अंतरिम रिपोर्ट अदालत में पेश भी की थी। इसके बाद 13 जुलाई को आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सील बंद लिफाफों में अदालत को सौंपी। इसमें रिपोर्ट भी थे और एनेक्सर्स भी थे, जो साथ में दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तब अदालत ने कहा था कि आयोग को रिपोर्ट की प्रतियां मामले में याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार को भी देनी होंगी, जो कि इस मामले में रिस्पोंडेंट है। आज इस रिपोर्ट की कई जानकारियां प्रेस के हाथ लग गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों के लिए CBI जांच की सिफारिश करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार पर कई सख्त टिप्पणियां की हैं। आयोग ने कहा है कि सूबे में रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ रूलर है, मतलब राज्य में कानून का राज नहीं है, शासक की मर्जी से काम चल रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद सूबे की सरकार राजनीतिक हिंसा को रोकने में नाकाम रही, पीड़ितों के दर्द की तरफ सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। आयोग के मुताबिक हिंसा के मामले संगठित रूप से हिंसा फैलाए जाने की तरफ इशारा करते हैं। हिंसा फैलाने वाले 70 दल का हिस्सा थे और निशाने पर थे वो लोग जिन्होंने हारने वाली पार्टी के समर्थन में उतरने की हिमाकत की थी। ऑब्वियसली TMC और BJP की बात हो रही है। राज्य सरकार के कुछ विभाग, अब दोबारा हम जो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है उसी पर लौट रहे हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट में लिखता है सूत्रों के हवाले से, राज्य सरकार के कुछ विभाग और कर्मचारी इस दौरान मूक दर्शक बने रहे और कुछ हिंसा में संलिप्त भी थे। ये सारी जानकारियां सामने आने के बाद ममता बनर्जी ने आयोग पर रिपोर्ट लीक करने का आरोप लगा दिया। सुनिए। इंस्टेड ऑफ गिविंग द रिपोर्ट टू कोर्ट, दे हैव ऑलरेडी लीक्ड ऑल द रिपोर्ट्स टू ह्यूमन राइट्स कमीशन टू आउटसाइड। दे शुड हैव रिस्पेक्ट देयर कोर्ट, हाउ दे कैन डिसरिस्पेक्ट। इंस्टेड ऑफ हियरिंग स्टार्टेड इवन द ऑपोजिशन, द वी आर द गवर्नमेंट, वी हैव टू गिव आवर ओपिनियन ऑल्सो। दिस इज द justice, and court gave us time also for that. I think they will give us time, or they have given the time for affidavit or something. So before that, how they leaked all the news, what they have submitted in the court, if it is not political vendetta. कलकत्ता हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई को करने वाला है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। एक बढ़ई को लकड़ी का आइटम बनाने के लिए आरी दी गई, लेकिन आरी से उसने एक पेड़ काटने के बजाय पूरे जंगल को साफ कर दिया। यहाँ आरी का मतलब राजद्रोह वाला कानून समझिए, और बढ़ई का मतलब वो सरकारें जिन्होंने इतिहास में राजद्रोह कानून का इस्तेमाल आरी की तरह किया। राजद्रोह वाले कानून पर बढ़ई और आरी वाली ये टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट से आई है। एक बार फिर कोर्ट में राजद्रोह वाले कानून की ज़रूरत और उसके इस्तेमाल पर सवाल उठे। एक बार फिर सरकार से पूछा गया कि आप ये कानून खत्म क्यों नहीं कर देते। जब सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह के कानून पर इस तरह की टिप्पणियां हो रही थी, तभी एक खबर हरियाणा से भी आई। हरियाणा में पुलिस ने तकरीबन 100 किसानों पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने BJP नेता रणवीर गंगवा की कार का घेराव किया था, उसमें तोड़फोड़ भी की थी। ये घटना 11 जुलाई की है, उसी दिन राजद्रोह वाला केस भी लगा दिया गया था। खबर आज बाहर आई है। अब ये समझ नहीं आता कि BJP या किसी भी और पार्टी के नेता पर हमला करना राजद्रोह या देशद्रोह कैसे हो सकता है। कानूनी भाषा में कहें तो राजद्रोह कैसे हो सकता है। किसी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ करना, हिंसा करना कानूनी जुर्म जरूर हो सकता है भी, लेकिन क्या इसे राजद्रोह की श्रेणी में गिना जा सकता है, इस पर सवाल हमेशा रहेंगे। हमें कितने ही ऐसे मामले मिल जाएंगे जिनमें सरकारों के विरोध को भी देशद्रोह बताया गया, किसान कानूनों का विरोध करने वालों पर राजद्रोह लगा, CA के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर राजद्रोह कानून लगा दिया गया। हर महीने 2 महीने से हमें राजद्रोह के कानून के तहत किसी को जेल भेजने की खबर सुनने को मिलती है। आंदोलन तो आंदोलन, सोशल मीडिया पर अगर कोई पोस्ट किसी ने कर दिया तो उसे लेकर भी सेडिशन का चार्ज हमारे देश में लगा है, और बस लगा के छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मामले कोर्ट में साबित ही नहीं हो पाते हैं।
माने धारा लगाने वाली एजेंसी और सरकार के पास अपने दावे के लिए कानूनी आधार नहीं होते हैं। फिर भी नियमित रूप से समाचार देखने सुनने वाले जानते हैं कि हफ्ते दो हफ्ते के भीतर कहीं ना कहीं से खबर आती है कि अदालत ने राजद्रोह का मुकदमा लगाने को लेकर पुलिस को फटकार लगाई, और पुलिस को फटकार से कितना फर्क पड़ता है इस पर अलग से टिप्पणी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी नहीं करेंगे। या आपने खूब सुना होगा कि बीते 6 से 7 सालों में राजद्रोह के मामले बढ़े हैं। अमूमन इस बात को एक धारणा बताकर खारिज किया जाता है, इसीलिए हमने धारणा और राय से अलग सरकार द्वारा जारी आंकड़ों का रुख किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों के हिसाब से 2014 में राजद्रोह के 47 मामले थे 47, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा 96 पर पहुंच जाता है। आंकड़ों के हिसाब से 2016 से 2019 के बीच राजद्रोह के मुकदमों में 160% की बढ़ोतरी दिखती है, लेकिन कन्विक्शन रेट में भारी गिरावट है, यानी पुलिस राजद्रोह का केस दर्ज तो करती है लेकिन कोर्ट में जुर्म साबित नहीं कर पाती। NCRB के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक ही सिर्फ 3.3% मामलों में ही कन्विक्शन हो पाता है, यानी 1,000 लोगों पर अगर केस दर्ज होता है तो सिर्फ 33 लोग ही दोषी साबित होते हैं, बाकी के 967 लोग बरी हो जाते हैं। ऐसे में ये सवाल पूछा ही जाएगा कि क्या सरकारें इस कानून का जानबूझकर और गैर वाजिब इस्तेमाल कर रही हैं। 100 में से 3 को छोड़कर सारे मामलों में पुलिस की किरकिरी होती है। सरकार की नीयत पर सवाल भी उठते हैं, लेकिन धारा से मुंह छूटता नहीं, क्योंकि इस धारा में कुछ प्रावधान ही ऐसे हैं कि सरकारों का दिल ललचाता रहता है। राजद्रोह या सेडिशन यानी इंडियन पिनल कोड की धारा 124A के तहत दर्ज होने वाले मामले, और धारा 124A क्या है, इसमें लिखा है कि जो भी लिखित या फिर मौखिक शब्दों या फिर चिन्हों या फिर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नफरत फैलाने वाले या फिर विधि संगत बनी सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देता है या इसकी कोशिश करता है, उसे 3 साल से उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 124 से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के बारे में है, और सरकार का मतलब देश नहीं होता, नहीं हो सकता। IPC में धारा तब शामिल हुई थी जब संविधान नहीं था, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार नहीं था, एक औपनिवेशिक सरकार थी जो अपने खिलाफ कोई विरोध देखना नहीं चाहती थी, उससे बर्दाश्त नहीं होता था। जब 1860 में IPC अंग्रेज़ों ने भारत में लागू किया तो धारा 124 से नहीं थी। 10 साल बाद 1870 में से जोड़ा गया क्योंकि अंग्रेज़ हुकूमत का विरोध बढ़ने लगा था और उसे दबाने के लिए अंग्रेज़ों को एक कानूनी हथियार की ज़रूरत थी। तिलक, गांधी, भगत सिंह, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हर नेता पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। तकरीबन तिलक ने अपना अखबार शुरू किया तो उन पर राजद्रोह लग गया, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया अखबार में एक आर्टिकल लिख दिया तो उस मामले में भी उन पर राजद्रोह लग गया। और गांधी का राजद्रोह के बारे में एक कथन मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा था, धारा 124A उन सभी कानूनों में सबसे हास्यास्पद और डरावना कानून है जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करने के मकसद से बनाए गए हैं। अगर किसी को सरकार की किसी बात से परेशानी है तो उसे आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी परेशानी व्यक्त कर सके। उसे ये आज़ादी तब तक होनी चाहिए जब तक वो अपनी किसी बात से नफरत या हिंसा नहीं भड़काता। गांधी जैसे कुशल विचारक अगर किसी कानून को एक ही सांस में हास्यास्पद और डरावना कह रहे हैं तो समाज के कान खड़े हो जाने चाहिए। महात्मा गांधी और बाकी नेता इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जब आज़ादी मिलेगी तो धारा 124A जैसी चीज़ें भी नहीं रहेंगी जो सरकारों के खिलाफ असंतोष जाहिर करने को भी जुर्म बना देती हैं। लेकिन संविधान लागू होने और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलने के बावजूद IPC की धारा 124A नहीं हट पाई। अंग्रेज़ों की तरह ही राजद्रोह वाली धारा लोकतांत्रिक भारत में सरकारों के काम आने लगी, और इसमें किसी एक पार्टी की बात नहीं है। अमूमन हर राज्य में हर पार्टी की सरकार में धारा 124A का फ़ायदा लिया गया है सरकारों द्वारा। आपको याद होगा 2012 में भी मुंबई में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को राजद्रोह के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन के दौरान असीम त्रिवेदी ने एक कार्टून बनाया था और कार्टून पर ही देशद्रोह का मुकदमा लाद दिया गया था। फिर आप 2021 में आते हैं तो दिशा रवि का नाम याद आता है, जिन पर किसान आंदोलन को लेकर टूल किट बनाने के मामले में राजद्रोह लगाया गया। असीम त्रिवेदी और दिशा रवि की अभिव्यक्ति किसी को परेशान करे तो उसे कानूनी राहत का हक है, वो कोर्ट जा सकता है। लेकिन ये सवाल बिल्कुल अलग है कि इन पर राजद्रोह का मुकदमा बनता है तो कैसे और क्यों।
इसीलिए फिर बात 124A की प्रासंगिकता पर आती है और कोर्ट में सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आज सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124A पर कई तल्ख टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने आज सेडिशन वाले कानून पर दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका दायर की थी सेना से रिटायर्ड मेजर जनरल SC वोम्बाट केरे ने। याचिका में दलील दी गई थी कि ये कानून अस्पष्ट है और अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि ये औपनिवेशिक कानून है, आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। ये वही कानून है जो गांधी और तिलक को चुप कराने के लिए इस्तेमाल हुआ। CJI ने पूछा कि क्या ऐसे कानून की आज़ादी के 75 साल बाद भी ज़रूरत महसूस होती है। CJI ने कहा कि वो किसी राज्य या सरकार को इसके मिसयूज़ के लिए अलग से दोष नहीं दे रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस कानून को एग्जीक्यूट करने वाली संस्थाएं इसका गलत इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने कहा कि सेक्शन 124A 124A के तहत इतनी ज़्यादा शक्तियां हैं कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को जुआ खेलने वाले को भी ठीक करना हो तो वो उस पर यह धारा लगा सकता है। CJI ने कहा कि उनकी चिंता कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर है। आगे उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर है कि कोई राज्य या कोई एक पार्टी अगर विरोध की आवाज़ नहीं सुनना चाहते तो वो उन लोगों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल कर लेंगे। इन टिप्पणियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि जब सरकार दूसरे पुराने कानून ख़त्म करती है तो इस कानून को ख़त्म करने पर विचार क्यों नहीं करती। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। अभी अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में धारा 124 को लेकर ही एक और मामला चल रहा है जिसकी सुनवाई जस्टिस UU ललित की बेंच कर रही है। इससे पहले भी अनेक बार सुप्रीम कोर्ट में और अन्य हाई कोर्ट्स में 124A के इस्तेमाल पर सवाल उठे हैं। पूर्व में विधि आयोग ने भी इस धारा में संशोधन करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार के स्तर पर बात आगे बढ़ नहीं पाती है। अभी देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार इस कानून पर क्या जवाब दाखिल करती है। आज भी सरकार के वकीलों और अदालत के बीच में बात हुई है, लेकिन हम इंतज़ार करने वाले हैं सरकार द्वारा लिखे जवाब का। जब वो जवाब आएगा तब इस मुद्दे पर फिर से आपके साथ बात होगी। आज के दिल्ली टॉप शो में इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्ते।